तो इसके अंदर गूगल सीट के अंदर जब हम बात कर रहे हैं नंबर फॉर्मेटिंग की, जैसे कि मैंने कल बताया कि मैं 1500 रखता हूँ, तो यहाँ पे 500 मैंने कि इसके साथ एमआरपी लगाना है। तो फॉर्मेट में हम आते हैं, नंबर फॉर्मेट में आते हैं, नंबर में कस्टम कस्टम फॉर्मेट, फॉर्मेट और इसके आगे हम लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा एम आर इन्वर्टेड पी, कॉमा आर एस। और इसमें हम जीरो देते हैं तो हमारा नंबर शो हो जाता है एम आर पी के साथ। अगर मैं -500 देता हूँ तो भी -MRP 500 आता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि -500 MRP ना आए। ठीक है, क्या है? ठीक है, ओनली तो कस्टम नंबर फॉर्मेट में मैं यहाँ सेमी कॉलर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ इन्वर्टर को हमें DIC डिस्काउंट, और फिर यहाँ पे जीरो कर दिया और अप्लाई करता हूं, तो आप देखेंगे कि अगर प्लस में लिखते हैं तो क्या आएगा, एमआरपी फाइव एमआरपी 1500। अब माइनस में लिखते हैं तो उसके अंदर का डिस्काउंट आएगा। डिस्काउंट। क्यों? तो एक कस्टम फॉर्मेटिंग जब भी हम लगाते हैं उसके चार मेजर पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है पॉजिटिव नंबर, दूसरा पार्ट होता है नेगेटिव नंबर, तीसरा में आप यहां डाल सकते हैं जीरो, जैसे मैंने यहां पे कर दिया फ्री, कि अगर जीरो हो तो फ्री शो हो। और चौथा जो होता है वो होता है हमारा एट द रेट, सॉरी टेक्स्ट, जैसे यहाँ टेक्स्ट पे मैंने बोल दिया कि डेटा नॉट फाउंड और हमने यहाँ पे एट द रेट दे दिया। एट द रेट क्यों दिए? देखिए, जीरो हैश जो होता है आपके नंबर्स के लिए होता है, एट द रेट आपका टेक्स्ट के लिए होता है। अच्छा ठीक है, ठीक टेक्स्ट को शो करना है तो एट द रेट देना पड़ता है। है। अप्लाई किए, अगर मैं जीरो करता हूँ तो फ्री, कोई टेक्स्ट दे दिए तो DNF और एट द रेट टेक्स्ट आ गया। अगर मैं एट द रेट नहीं देता तो टेक्स्ट नहीं आता, सिर्फ DNF लिखा हुआ आता, डेटा नॉट फाउंड। ठीक अब इसी को ध्यान में रखते हुए मेरे पास एक डेटा है जिसमें नेम है और इनके इन टाइम है। क्या होता है कि ये जो डेटा है बायोमेट्रिक डेटा है या एक्सेस कार्ड का डेटा है, ऑफिस के अंदर में जब कोई एंट्री करता है तो बायोमेट्रिक लगाता है या फिर वो एक्सेस कार्ड पंच करता है अंदर बाहर जब भी करता है, तो उसका उसके करने के लिए यहां पे दिया गया है डेटा कि उसने कब कब अपना बायोमेट्रिक या एक्सेस कार्ड को यूज किया है दरवाजा को ओपन करने के लिए, दिन में कई बार ठीक करता है। है, ठीक तो मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके पिवट टेबल में चले गए न्यू सीट पर। ठीक ठीक है, है। और पिवट टेबल में हम रो के अंदर ऐड कर देते हैं नेम, ठीक है। कॉलम के अंदर ऐड कर देते हैं स्कैन डेट, हाँ बोले हाँ हो जाएगा इसके को। मुझे व्हाट्सएप करेंगे थोड़ा सा, मैं देखता हूँ क्या है, क्लास में बैठा हूँ, व्हाट्सएप कीजिए, क्लास के बाद देखता हूँ। इस पे नहीं हो रहा है, एक्सेल पे हो जाता है, अच्छा तो क्या करें सर इसके लिए? जब यहाँ आ ही नहीं रहा तो फॉर्मेटिंग ठीक करनी पड़ेगी। नहीं तो फिर हम पिवट टेबल से नहीं चलेंगे, फिर हम फॉर्मूला चलेंगे, इसलिए मैं ये टॉपिक अभी बढ़ा रहा हूँ। मुझे शक था कि पिवट टेबल के थ्रू ये प्रोजेक्ट नहीं होता,
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नई सीट ऐड कर दिया, और यहाँ पे मैं यूनिक का फॉर्मूला लगाता हूँ। किसका? यूनिक। यूनिक यूनिक फॉर्मूले में गया और हमने अपना कॉलम सेलेक्ट कर लिया, तो इससे क्या आ गया? का, ठीक नेम आ गया, सारे नेम आ है, गए। ठीक उसके बाद ये हमारे डेट है, तो आखिर 2017 का डेट है, तो एक काम करता हूँ, हाँ 17 का डेट है, एक काम करता हूँ मैं 2022 का डेट कर देता हूँ। सारा 6 का है, मतलब एक ही महीने का है। है। तो इसमें कंट्रोल एच, और मैंने बोल दिया 17 की जगह 22, 17 की जगह 2022। प्लेस ऑल, कंट्रोल यहाँ पे भी कंट्रोल एच से ही होता है रिप्लेस। हाँ साइड में क्लिक कीजिएगा तो आ जाता है रिप्लेस। कंट्रोल एफ एच करते हैं तो वो ही होता है, मेन ही होता है। स्पेसिफिक रेंज, ओके, तो मेरा तो कमांड एन से होगा मेरे ख्याल से। शायद हाँ आपका ये एप्पल है क्या? शायद, लेकिन हो नहीं रहा मेरा है, मैकबुक, मतलब ये एक ये पर्टिकुलर पार्ट 2022 से ना 2022 होके 17 एक बार करके देखते हैं ओनली। नहीं, मैंने बोला 17 को 2022 से रिप्लेस करना, हाँ बट आपने 2017 कर 2017 दिया है ना, के ओनली 17 लिख के एक बार देखिए, नहीं। 17 को 22 हाँ हो गया, हो गया। हो गया ना, 17 का 22 से होगा, क्योंकि वो उसको फॉर्मेटिंग नहीं समझ रहा है, वो उसके लिए इंडेक्स समझ रहा है। चलिए, तो यहां मैं वो 6/1 मतलब कि जून डाल देना, ठीक है, और जून का हमने यहाँ पे डेट डाल दिया। एक मिनट, इसको सेलेक्ट करके इसके ऊपर जो फॉन्ट फॉर्मेट है डेट का, डेट कस्टम डेट टाइम चलिए इसी को ले लेते हैं। ठीक और इसके अंदर हम इसको प्लस कर, ठीक है, अब यहाँ पे मेरा खत्म हो गया डेट, तो राइट हाँ क्लिक ठीक है, करके इंसर्ट कॉलम करना पड़ेगा। राइट। दो को सिलेक्ट करेंगे तो दो कॉलम ऐड होगा, ऐसे एक दो एक हो ऐड जाएगा। होगा। चार ऐड करेंगे तो चार चार होगा, सुनेंगे तो चार हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसी को सेम हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कर देते हैं, ठीक है, अब मुझे ठीक है। इसमें निकालना है काउंट कि कविता इस डेट को था या नहीं था। तो इसके लिए लगाएंगे हम क्या? काउंट इफ का, काउंट इफ नहीं, काउंट इफ, क्योंकि मल्टीपल कंडीशन है ना, इसलिए काउंट इफ। स्टार्ट में काउंटिंग जाएंगे हम, सेलेक्ट करेंगे इसके अंदर कि भाई इसके अंदर जाओ ठीक कि वापस सीट वन पे आएंगे और हम बोलेंगे कविता को सेलेक्ट करो। फिर ठीक वापस हम है, डेट में जाएंगे, अपना डेट को सेलेक्ट करो, तो फिर वापस हम अपने ठीक इसमें आएंगे और अपना डेट सेलेक्ट करेंगे, और हमने एंटर प्रेस किया, रिजल्ट 0 आया, इसलिए क्योंकि इसमें डेट एंड टाइम है और इसमें सिर्फ डेट है। तो क्या करेंगे? है, ठीक तो जैसे कार्ड डेटा यहाँ लिखा हुआ है, इसको हटा सकते हैं, नहीं सॉरी नहीं, यहाँ हटाना, तो यहाँ जो B2 दिया हुआ है
टू दिया है ना सर, इसमें हम करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू और एंड बी टू करेंगे। 29 आ गया कि कविता जो है, लेकिन कविता 79 नहीं आना चाहिए इसमें। हाँ इसमें डबल देना पड़ेगा ना। हेलो हाँ मैं आधे घंटे में कॉल करूँ, आप क्लास जाओ। मैं इसमें यहाँ पे हम लिया लेस देन इक्वल टू एंड यहाँ पे ब्रैकेट में लेस देन, यहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा, लेस देन होगा सिर्फ, ठीक है ना। लेस देन ब्रैकेट में हमने सी पे बोला जो डेट है ना हमारा, जो डेट है ये डेट प्लस वन। अभी एरर क्यों आ रहा है? ए थ्री हो गया, कार्ड बी वाई बी ग्रेटर देन बी टू एंड बी वाई बी लेस, अच्छा एन परसेंट नहीं लगाया। आ गया सर दो, समझ में आया फॉर्मूला कि नहीं? नहीं आया तो नहीं सर, तो हमने काउंटिंग बोला तक तो आया मेरे को, आगे का देखिए नहीं आया। ठीक हमें क्या किया, हमने बोला कि जाके कविता को मैच करो पहला, है दूसरा सर, बी ठीक कॉलम है में सर। मैच करो जो डेट है ना इससे बड़ा या बराबर, ठीक है। फिर वापस उसी डेट को चेक करो कि वो अगली डेट से छोटा होना चाहिए। अब पूछे क्यों? मतलब जैसे सुनिए, जब हम डेट डालते हैं, जैसे आज की हमने डेट यहाँ डाला और फिर आज यहाँ आज का हमने डेट डाला, आज का डेट आ गया। अब इसी में मुझे आज का टाइम डालना है, तो आज का हम टाइम डालेंगे जैसे कि 10:20 पीएम, ठीक है। अगर इसको मैं ठीक करता हूं जनरल फॉर्मेट, फॉर्मेट में जाके नंबर में हम इसको कर है देते हैं जनरल। जनरल फॉर्मेट, मतलब कि ये तो ये दिख रहा है 0.93 हो रहा है सर। हाँ मतलब जो अगली डेट है वो है 88 4 8 0, 88 0 सॉरी, डेट हुआ है, ठीक है ये डेट है। हाँ ए हो गया हमारा, ए हमारा हो गया 16 तारीख। ठीक क्या हो गया? 16 तारीख। 16 तारीख, ए हमारा हो गया 15 तारीख, समझ गया। तो 15 तारीख 16 तारीख कब होगा? जब यहाँ पे 81 होगा, माफ कीजिएगा 81। और 15 तारीख कब होगा? जब 80 होगा। तो 15 80 81 के बीच में जितने भी डेसिमल प्लेस होंगे वो तो उसी डेट के टाइम 15 होंगे ना, का ही टाइम। क्योंकि यहां मेरे पास टाइम आ रहे हैं ना, नहीं समझे? यहां पे क्या आ रहा है? टाइम आ रहा है। तो 22 तारीख में 23 तारीख से छोटा और 22 तारीख से बड़ा, तो 22 तारीख के सारे 24 घंटे आएंगे ना सर। 22 तारीख नहीं, 1 तारीख। 1 तारीख, हाँ सॉरी 1 तारीख है, माफ कीजिएगा 1 तारीख के ही आएगा, है ना सर? हाँ तो 1 तारीख, वो 1 तारीख में ही आएगा। जी हाँ। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया कि भाई 1 तारीख से बड़ा या बराबर और 2 तारीख से छोटा होना चाहिए, वो सारे 1 तारीख के डेट होंगे। अपने यहाँ पे बड़ा या बराबर एंड बी टू मतलब क्या हुआ फिर? B2 ही है, डेट है हमारा 1 जुलाई प्लस 1, मतलब कि 2 जून, 1 जून प्लस 1 मतलब 2 जून से छोटा। समझे? समझ में आया कि नहीं आपको सर अभी भी? से छोटा, और फिर आपने यहाँ पे किया बी टू प्लस वन कर दिया, मतलब चलिए इसमें से एक जोड़ मैं आपको दिया। अलग समझाता हूँ, अलग समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे नाव का डेट लगा दिया नाव नाव का, ठीक है ना। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बहुत सारे नाव के डेट है और यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे नाव के टाइम्स हैं। टाइम्स हर सेकेंड चेंज होते रहते,
ठीक अब है मुझे यहां पे किसी ने बोला कि 1 तारीख का टोटल बताओ, क्या बताओ टोटल। होता। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास जो डेटा है वो 1 तारीख के पूरा नहीं है, मतलब आज के तारीख का पूरा नहीं है, वो आज तारीख का 8 बजे है, 8:21:39 है, 8:20 है, 8:25 है, अलग अलग टाइम से है। ये टाइम जो है ये अलग अलग टाइम है आपके ठीक पास। तो प्रॉब्लम है कि अगर मैं एग्जैक्ट लगाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी ना सर। करेगा लेकिन आप देख सकते हैं जब इसको जनरल फॉर्मेट में किया तो आप देख सकते हैं कि नंबर 44480 ये हमारा हो गई आज की तारीख, क्योंकि यहां भी आपका अगर मैं इसको नंबर फॉर्मेट करता हूं तो यहां भी आप देखेंगे सेम आ रहा है 44480। हाँ हाँ ठीक तो है। आज की रेट क्या कहलाएगा, कि ग्रेटर देन इक्वल टू 44480 और लेस देन इक्वल टू 44801 एट वन यही होगा ना। अब एट इसका वन हाँ अब इसका सामी मुझे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अगर सम मुझे आज का सम डेट निकल सम इफ निकालना है मान लीजिए, तो तो सम इफ्स सम लगेगा। सम इफ से मेरा लगा कि सम हाँ रेंज हमारा ए है, क्राइटेरिया रेंज ठीक हमने बोला कि ए है, और पहली क्राइटेरिया है कि ये है जो ये आज वाला की डेट है उससे बड़ा या बराबर होना चाहिए। डेसिमल में आएगा तो बड़ा ही होगा ना। ठीक है, बट आज आज का का डेट डेट वो वो कैसे कैसे इस इस चीज चीज को को फाइंड फाइंड करेगा। करेगा। ये अच्छा डेट ये रहा ना, ये डेट D12 दे रहा ठीक है, हूं आपने ना, हिस्सा लग लिया। ठीक है ठीक है, ठीक है। फिर वापस इसको सिलेक्ट किया अच्छा और हमने बोला कि कल की डेट से माइनस कल की डेट से छोटा, तो कल की डेट तो है छोटा नहीं, एंड आज ही की डेट है, तो ब्रैकेट ठीक में है। आज की डेट में +1 कर दूंगा मैं, तो कल की डेट आ हाँ जाएगी ना ठीक सर। है, अगर हमने कल का डेट नहीं लिखा है तो आज के डेट में प्लस वन कर दिया है। ठीक है, अगर ठीक है ना, तो नहीं लिखा जब होगा तो कोई इशू नहीं था। एग्जैक्टली अगर लिखा होता तो डेट डाल दीजिए, सिर्फ +1 करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो सेम चीज यहां है सर, बस इसमें हमने काउंट इफ लगाया है और एक कंडीशन यहां बढ़ गया है नेम का, बाकी वही है जो मैंने यहां नीचे बताया आपको। ठीक है, ठीक है। समझ गए आप कि बस मैं ना नहीं। यही नहीं समझ रहा था कि ये परसे एंड बी टू क्यों कर रहे हैं। ठीक ठीक है है, ठीक आपको मैंने बताया था ना है, शायद आप लोग समीप के, अभी समीप क्लास दोबारा भूल गया। समीप नहीं नहीं बताया मैं था कह रहा ना कि हम था ग्रेटर देन हाँ जी आप 50 लेस देन 80 इस तरह से सम कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, मैक्स कर सकते हैं, मैक्स इफ वगैरह हाँ कर सकते हैं ना। हाँ हाँ नहीं अभी मेरे को समझ में आ गया ना, अभी अभी मैं उस समय पता चल रहा था मेरे को, अब मैं समझ गया। ये तो आपने सर एंड ये इसलिए लगाया है इस तरह से कि स्लोली समझिएगा तो दिक्कत होगा सर आगे। अभी तो चलो मैं पढ़ा दे रहा हूं, लेकिन आगे क्या करेंगे फिर, हाँ जब मेरी क्लास में खत्म कर दूंगा उस समय क्या करेंगे आप। इसलिए स्लोली देखिए और माइंड में एक्सेल को लगाइए, मतलब इसको ठीक है ना, एक्सेल की तरह बीबीए की तरह सोच, एक्सेल सॉरी गूगल शीट की तरह सोचिए। A3 को फ्रीज कर दिया, इसमें हम B2 को फ्रीज करेंगे, यहां B2 को। और फिर इसको हम ड्रैग कर देते पूरे। कंट्रोल आर अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने यहां नंबर शो किया है ना सर, हालांकि मैं इसको इसके आगे इफ कंडीशन लगा के इसको P और A में कन्वर्ट कर सकता हूं, लेकिन ठीक है मुझे क्या है कि दो चीजें हैं कि मैं इससे एक और कैलकुलेशन कर रहा हूं जहां पे नंबर ऑफ डेजेस की नंबर्स के हिसाब से कुछ मैंने सैलरी और बाकी चीजें कैलकुलेट हो रही है, लेकिन मुझे प्रिंटआउट निकालने में क्या चाहिए, नंबर नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बोलूंगा अटेंडेंस दो तो कविता दो तो कोई समझ लेगा कि कविता की दो अटेंडेंस लगा, तो मुझे दो की जगह पे क्या चाहिए, P चाहिए, पी बट P दिखे एक्चुअल में दो ही रहे। अच्छा तो यहां पे हम कस्टम फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करें, ठीक है हाँ कस्टम नंबर फॉर्मेट, और यहां हम क्या करेंगे देखिए, यहां लिखेंगे P, क्योंकि पहला स्थान पी पॉजिटिव के लिए होता है सेमी कॉलन, ठीक दूसरा है स्थान नेगेटिव के लिए होता है, बट नेगेटिव डेटा है ही नहीं तो जी ब्लैंक छोड़ देंगे, तीसरा स्थान जो होता है वो होता है 0 का, तो जहां 0 है
मतलब उस दिन वो आया नहीं है, ठीक है। देन यहाँ अप्लाई एब्सेंट करते कर हैं, दिया आपने। हो गया सर, क्लियर है। जहां जहां जीरो है कहां एक भी जीरो नहीं मिला, उस समय तो सर जीरो जीरो दिख दिख रहा रहा था, था। अच्छा जीरो वाला ये नहीं हुआ। अच्छा निगेटिव में डाल दिया, मैं सेमी कोलन डालना भूल गया था। हाँ वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि आपने एक छोड़ दिया वहां पे, तो ये दूसरा है क्या? क्योंकि आपने दूसरे में ही ये दिखा दिया, अब ये तीसरा होना चाहिए। ठीक ठीक है है ना। एंड यहाँ अभी पे भी। हाँ अब ठीक है चलिए। अप्लाई, अब आ गया। तो निगेटिव को क्यों ब्लैंक छोड़ा सर हमने? निगेटिव क्योंकि का मतलब क्या नेगेटिव हुआ में सर? डेटा है ही नहीं, कोई कंडीशन ही नहीं है, तो डालिए, नहीं तो ब्लैंक ही छोड़ेंगे ना, क्योंकि इसको सिक्वेंसली लेके जाना है ना। इसमें आप इसमें कुछ गैप नहीं है, आप कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि नेगेटिव गए पॉजिटिव गए, ये सिक्वेंस चलता है। जैसे फॉर्मूले में होते हैं ना, ये फॉर्मूला लगाया तो पहला दोगे तो लॉजिकल देगा, दूसरा दोगे तो वैल्यू ट्रू देगा। अगर जिस दिन वैल्यू हाँ ट्रू नहीं है तो उस दिन तो स्किप छोड़ना होगा ना आपको। ठीक है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेजेंट जो है वो पॉजिटिव हो गया है। हाँ ठीक है, पॉजिटिव का मतलब यही ना कि उसमें वैल्यू है, नंबर है, नंबर है। नंबर ठीक ठीक है, है। उसके उसके बाद बाद दूसरा दूसरा था था निगेटिव। निगेटिव का निगेटिव, मतलब ही उसमें उसमें कुछ कुछ टेक्स्ट टेक्स्ट वगैरह वगैरह होगा। नहीं, नेगेटिव के मतलब माइनस होगा ना, माइनस पे फिगर है, -1 -5 हाँ ठीक है -10। ठीक है ठीक है। उसके उसके बाद बाद जीरो, जीरो, तो जीरो जीरो मतलब जहां पे जीरो जीरो मिलेगा, मिलेगा, जीरो की जीरो जगह को ए मिलेगा, प्रिंट करके दिखा देगा जीरो वो। जी। और और एक एक चौथा चौथा अपना अपना होता है होता है टेक्स्ट, जहां टेक्स्ट। पे टेक्स्ट हाँ तो लिखे टेक्स्ट वो इसमें कुछ उसको होगा बोलो। नहीं, तो मैंने टेक्स्ट डाला ही नहीं, है ही अगर है नहीं तो तो फिर मतलब डालिए। ही नहीं बनता है। ठीक, समझ गए। अब ये डेटा, हाँ अब ये डेटा काउंट भी हो सकता है और और दिखेगा दिखेगा एपी में एपी, भी। जी। अब यहाँ पे देखिए, अब इसी तरह का दूसरा डेटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इन एंड आउट दिया गया है, तो आपको अटेंडेंस शीट बनाना है फॉर्मूले की मदद से कि किस दिन कौन सा बंदा किस दिन कितना बजे इन हुआ और कितना बजे आउट हुआ।